बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेडी विद मैडनेस में आज हम बनाने जाने वाले हैं मज़ेदार से करेले। रेसिपी को सीखने से पहले कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जो कर चुके हैं वो इसको करें लाइक और शेयर, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं आपको मज़ेदार सी रेसिपीज। करेले मार्केट में बहुत ही खूबसूरत से आ चुके हैं। यहाँ छोटे छोटे भरे हुए करेले, भरने वाले करेले जो हैं, आज मैं वो लेकर आई हूँ। और ये करेले साइज़ में जो हैं, ये तमाम तकरीबन इक्वल हैं और खूबसूरत से गोल से करेले। इनकी टम्मी काफ़ी मोटी है, जिनके अंदर हम अच्छा खासा मसाला डालेंगे। आप इनको पीलर के साथ करें, लोग नाइफ के साथ करते हैं तो इसमें इस तरह थोड़ा थोड़ा सा इसकी कड़वाहट रह जाती है, तो हम इसे करेंगे पीलर के साथ पील आउट बहुत आसानी से और झटपट हो जाएंगे। नाइफ के साथ काफ़ी टाइम, ये पोटैटो पीलर तो अब नॉर्मली हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। अपने हाथ को बचाते हुए इख्तियार से तमाम जो बिटर कॉर्ड है करेला है उसको अच्छी तरह से पील आउट कर लें। इसकी जो नीचे टेल है उसको मैं नहीं उतारूंगी, टेल बहुत खूबसूरत लगती है और इसके साथ लगी हुई, और उसके साथ नेचुरल लुक भी देती है और पकड़ने में भी आसानी होती है। अब लगा दिया मैंने इसकी टम्मी में एक छोटा सा कट, और यहाँ हम इसके सीड्स निकाल देंगे बाहर, क्योंकि यहाँ बनने वाले हैं हम मज़ेदार सा एक ग्रेवी जो बनाएंगे हमारे करेलों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और जो कर चुके हैं वो इसको करें लाइक और शेयर। हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं सीड्स इसके बाहर और बहुत आसानी से निकल जाएंगे। जितने थोड़े से हार्ड लगे तो नाइफ की मदद से इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। तमाम करेलों को मैं इसी तरह से कर लूंगी, पील आउट कर लिया और साथ में मैंने इनकी टम्मीज भी कर ली है एम्प्टी। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा नमक, सॉल्ट लगाकर हम इन करेलों को रख देंगे ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए। यानी कि अगर आपने रात में बनाने हैं तो इनको मॉर्निंग में ही इस तरह से करने के बाद इनको नमक लगाकर रख दें। ये जो तरीका है इससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मजे के बनेंगे, और आप याद करेंगे कि क्या तरीका बताया है। इसको आपने इस तरह स्ट्रेनर में लगा देना है ताकि जो इसके अंदर से कड़वा पानी है वो इसके अंदर ना रहे, स्ट्रेन होता रहे। एक कढ़ाई में ले ली है हमने थोड़ा सा ऑयल ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमने फिलिंग कर लिया, हम बना रहे हैं यहाँ पर सामान, तो इसलिए वो बाहर ना निकले। जीरा डालेंगे इसके अंदर, जीरा जो ही थोड़ा सा अपना कड़क दिखाए हम इसमें से हाफ ऑनियन इसमें डाल देंगे। आपके पास जितने करेले हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनकी ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर और बाकी कीमा वगैरह ले सकते हैं। कीमा आप चिकन का भी यूज कर सकते हैं और बकरे का भी। यहां मैं स्पाइसेस में ऐड कर रही हूं नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी यानी के टर्मिक पाउडर, रेड चिली एंड सॉल्ट। इनको ऐड करने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं कीमा। मैं छोटा यूज कर रही हूँ इसलिए पहले से मैंने इसको थोड़ा बॉईल करके रखा था। अगर आप चिकन का कीमा यूज कर रहे हैं तो आप इसको एज इट इज ही यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी से रेडी हो जाता है। करेले मेरे हो चुके हैं रेडी, तकरीबन इनको 2-3 घंटे मैंने पड़ा रहने दिया। अब इनको मैं अच्छी तरह से इस तरह से दुबा के हाथ से निचोड़ रही हूँ। इनके अंदर से पानी आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि कैसे निकल रहा है। मैंने इनको बिल्कुल वॉश नहीं किया, पहले सबसे पहले वॉश किया था, लेकिन हालांकि स्ट्रेनर में रखे हैं, स्ट्रेनर के अंदर भी बहुत सारा पानी था, लेकिन फिर भी इनके अंदर से बहुत कड़वा पानी निकला है। अब पकड़े अपने करेले, ड्राई हुए करेलों को आपने पकड़ लिया। इसके अंदर हम फिलिंग जो इसकी हमने तैयार की है वो ऐड कर रहे हैं। आप इससे कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कीमा नहीं है तो प्याज वगैरह भी आप खाली डाल सकते हैं। प्याज के अलावा आप दाल के भरे हुए भी करेले बना सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने, लेकिन ज़्यादा मशहूर थे परे हुए करेले कीमिया ले होंगे है ना, तो इसलिए कीमा ही डालिएगा, बेशक कीमा हो चिकन का या हो मीट का। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर फिल करने के बाद इसको हल्के हाथ से आप इसको दुबाते जाएं तो जो एक्स्ट्रा कीमा है वो ऑटोमेटिकली बाहर आता जाएगा। उसको साथ साथ रिमूव करते रहें। अब मैं इसको थ्रेड के साथ टाइट कर रही हूँ। धागे को अच्छी तरह से पहले लगा दें, उसके बाद जो सेकंड लेयर लगाएंगे उसको थोड़ा सा टाइट कीजिएगा खींच के। इस तरह से मैं अपने तमाम करेलों को इनकी फिलिंग करने के बाद थ्रेड से बांध दूंगी। अब हम करते हैं इनको फ्राई, वन बाय वन करके मैंने इनको कढ़ाई में डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया है। बहुत हल्की आंच पे रखिएगा ताकि अच्छी तरह से करेला जो है अंदर तक पक जाए। कीमा तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन हमें करेले की जो ऊपर वाली लेयर है यानी जो उसकी स्किन है उसको अच्छी तरह से पकाना है। जितनी हल्की आंच पे पकेगा उतना ये अंदर तक अच्छे से गल जाएगा और इसकी कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, हम ये तमाम एफर्ट आपके लिए करते हैं। देखें एक एक करेले को पकड़ के आप देखिए, देखिए कैसे लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इसको साथ साथ टर्न करते जाएं, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं हैं, बिल्कुल लाइट सा इनका कलर रखिएगा और अच्छी तरह से इनको लाइट फ्लेम पे इसको पका लें। पकाने के बाद जो इसका ऑयल है वो जाहिर है अब थोड़ा सा कड़वा हो चुका है। इसको मैं किसी भी खाने में डालूंगी तो वो ज़ाया हो जाएगा, और महंगाई बहुत ज़्यादा है और वैसे भी रिज़्क़ का ज़ाया नहीं करना, तो हम उसी ऑयल को रीयूज़ करेंगे स्टेन करने के बाद। मैंने उसको यहाँ पर स्टेन कर लिया, और इधर मैंने ऐड की है अदरक लहसुन की पेस्ट जो
के ऑयल में थोड़ी सी फ्राई यानी भून के इनको मैं इसके साथ जो बकाया बचा हुआ हमारा ऑनियन था वो डालेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर आपने ग्रेवी जो उसके अंदर डाली थी फिलिंग जो की थी उसमें नहीं डालने थे, क्योंकि फिर टमाटर जो है वो पानी छोड़ देते हैं, इस तरह हमारे जो करेले थे वो खराब हो जाएंगे। वहां पर हमने सिर्फ ड्राई जो है चीजें वही ऐड करनी है। इधर मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और लहसुन अदरक की पेस्ट सिस्टम मसाले में डाल दी है, और ऐड कर दी है स्पाइसेस में मैंने नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, जीरा और सूखे धनिया का पाउडर। इसको अच्छी तरह से आप मसाले को भून लें। जो ही देखें कि हमारा मसाला भून चुका है, इसमें ऑयल छूटने लग गया है। अब आप ऐड कर दें अपने मज़ेदार से करेले दुम से पकड़ के। आ, 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 आ। बहुत मज़ा आया मुझे खाने का और आपको वीडियो दिखाने का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्या आपको आसानी से समझ आती हैं, इसमें मुझे और क्या क्या आपको और सिखाना चाहिए। ले जनाब मेरे हो गए हैं मज़ेदार जे लिशकदे हुए मसाले वाले करेले, कीमे दे परे हुए तागे ना लिपटे हुए, और आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। तो जो आपका काम है वो बिल्कुल भी नहीं आपने करना भूलना, करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक। यहाँ मैंने थ्रेड को ज़रा किया है आउट, एक तो मेरा दिल कर रहा था अभी खा लूँ देसी की दी रोटी, ओए होए होए तो क्या मज़ा आया इसको खाने का। देखिए कितना सॉफ्ट अंदर से भी कीमा बना हुआ है, और यकीन जाने ईमान से बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।